देखा जाए तो तीन तरह के कश्मीर है, एक जो मीडिया दिखाती है, दूसरा जो हमें एज टूरिस्ट देखने को मिलता है, और तीसरा जो कश्मीर के छिपे हुए गांव में बसता है। तो अगर आज आप इस छिपे हुए कश्मीर की एक छोटी सी झलक देखने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। श्रीनगर में मैं रुका एक होमस्टे में जिसका नाम है ट्रैवलर्स इन, एंड कर्टसी माय होस्ट यास्मिन एंड आलिया, मुझे देखने को मिली उनकी डे टू डे जनरल लाइफ और ऐसी जगहें जो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। और उन्हीं के थ्रू पहलगाम में भी मुझे एक ऐसी जगह रुकने का मौका मिला जो वैसे तो पहलगाम से थोड़ी ही दूर है, बट इट फील्स अ वर्ल्ड अपार्ट। और ये है नूर मोहम्मद जी, इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर, एक उम्दा स्टोरी टेलर और अगले कुछ दिनों के लिए मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। कश्मीर की सर ये निशानी नून चाय है। अच्छा, यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कम से कम 90% नून चाय पसंद करते हैं जी। चाय शहर में रहते हो, चाय जंगलों में रहते हो, चाय जिस जगह में रहते हो तो नून चाय पसंद करते हैं। इसमें मलाई डालते हैं, इसमें मक्खन भी डालते हैं, मक्की का रोटी होता है, उससे बहुत टेस्ट होता है इसका। तो इसमें इसका कलर कैसे आता है, इसका जो पिंक कलर है ये कैसे आता है? इसका ये पहले पत्ती डालना पड़ता है, थोड़ा सोडा डालना पड़ता है, सोडा डाल के इसको एक दो घंटा पकाना पड़ता है। हाँ। उसके बाद इसका कलर आता है, कलर के बाद इसमें फिर दूध डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, फिर पीना शुरू हो जाता है रोटी के साथ। और कोई ऐसा दिन में कुछ ऐसा रहता है कि सुबह या कभी भी ये कभी भी पी सकते हैं? पूरा दिन भी चल सकती है, जो जो अपने अपने टाइम पर पीते रहते हैं, मगर यहाँ पर ज़्यादा चार टाइम में पीते हैं। तो अगर आपके सामने तीन कप हो, हाँ, एक में कावा हो जी, एक में लिप्टन चाय, हाँ, और एक में नून चाय जी, तो कौन सी पियेंगे? मैं ये नमकीन पीऊँगा। नमकीन जी। हम कम से कम 150 साल से पहले मेरा जो दादा था वो रह रहा है जी। जब वो ख़त्म हो गया तो मैं फिर आ गया, मेरा बाप, उसके बाद और वो भी चल गया, तो उसके बाद आ गए हम। अब मेरे बाद आ गए ये हमारा परिवार जो है, मेरे बच्चे, ये भी अब एक एक बच्चे के बाप हो गए, एक बच्चे की शादी हो गई है, बाकी की अभी करनी है। जो भी गेस्ट आता है हमारा अपना, उनको लेकर जाते हैं, जो और बाहर से भी आएगा मांग करेगा मैं जाता हूँ उनके साथ। हमें कहाँ के लेके जा रहे हैं? मैं आपको ले जा रहा हूँ काल तुलियन। तुलियन जी, हम 5:30 बजे 6:45 बजे निकलेंगे सुबह सुबह। लंच ब्रेकफास्ट हम वहाँ पर स्टे करने वाले हैं, रात को लेक पर रहेंगे, सुबह इंशाल्लाह वापस आ सकते हैं। वहाँ पे भी नून चाय पिलाएंगे? वहाँ थोड़ा नामुमकिन है। नामुमकिन है जी। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू। एक्चुअली सुबह सुबह की एक तो तरोताज़ा वॉक, यहाँ की तरोताज़ा हवा, हाँ, और आपकी बढ़िया सी नून चाय। इसके बाद मेरे को लगता है मैं वापस घर जाऊँगा ना, तो हाँ, शायद मैं नॉर्मल चाय पीना भूल जाऊँगा, नून चाय पिया करो। नेचर हैज बेस्टोड कश्मीर विद ऑल इट्स रिचनेस एंड ब्यूटी, और इस सबके बीच में एक एक्सपीरियंस का जिक्र हमेशा मिस हो जाता है, वो है द जॉय ऑफ बीइंग ऑन अ रोड ट्रिप। द 90 किलोमीटर्स ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू सोनमर्ग ऑफर्स वन ऑफ द स्पेक्टेक्युलर ब्यूटी ऑफ नेचर, फ्रॉम द गॉर्जियस पीक्स टू रशिंग सिंध रिवर, द टावरिंग एल्पाइन ट्रीज एंड जाइगेंटिक स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ऑल ऑफ दिस मेक यू इंस्टेंटली फॉल इन लव विद दिस पैराडाइज। सोनमर्ग में मैं रुका एक लक्जरी ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट शीन वुड्स में। जनरली मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है टू प्रोनाउंस वन प्लेस मोर ब्यूटीफुल दैन द अदर, हाउएवर देर आर अ फ्यू प्लेसेस विच मेक यू फॉल इन लव विद नॉट जस्ट देयर ब्यूटी बट ऑल्सो विद द यूनिक लोकेशन। और हमेशा की तरह आई वुड अगेन से दैट द रियल मैजिक ऑफ एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फाउंड इन इट्स टाइनी हैमलेट्स। सो आर ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन अ विलेज नेम्ड सरबल। This is the last village of Kashmir situated just before the Zojila Pass and is the gateway to Ladakh. This village is actually the last village of Kashmir Valley.
Okay. You know, after this, the Ladakh Valley starts. Okay. So it's named as Sarbal Village. It's like around 100, 150 years old. Oh, it's that old? Yeah. People from, actually from Gurez, they migrated to this place. And they used to live here in winters as well. So the people of Gurez are like, you know, they speak the language Shina. And these are from the tribe of Dar tribe. So they have migrated long back. And this is the place where they have, you know, put their houses and everything. Winters, it's like around 10 feet of snow here. So now from last couple of years, these people migrate to Gagangir, down to Sonmar. You know, because it's too harsh, the winters are too harsh. So they have the other home there as well. So here right now on this spot, it will be around 10-15 feet of snow, easily. And it's like minus 20, minus 25. But it's beautiful. I have been here in December as well. Like that time it was around 4 feet of snow. This place looks amazing. It's crazy. This village, if you see the demography and the topography of the trees and everything and the passage of water coming from the valley, Durinar Valley, this part of village, it's not an avalanche prone area at all. So that time they have put, you know, the mind and everything to set up a home for themselves at this point. जिस भी हम विलेज में जाते हैं, कहीं पे भी गांव में घूम रहे होते हैं, पीपल स्माइल, दे वांट टू स्पीक टू यू, दे इनवाइट यू फॉर चाय, इवन दो दे आर शाय, बट स्टिल एक, इट्स लाइक वेलकमिंग अ फैमिली मेंबर, रिलेटिव, अ गेस्ट. पीपल इन कश्मीर मोस्टली आर वेरी हॉस्पिटेबल, रियली हॉस्पिटेबल, द लो प्रोफाइल पीपल विद अ स्माइलिंग फेस ऑलवेज, यू नो दैट इज देयर. या पहलगाम और सोनमर्ग के बाद कश्मीर की होली ट्रिनिटी कंप्लीट होती है गुलमर्ग में. गुलमर्ग है इंडिया की हाईएस्ट और दुनिया की थर्ड हाईएस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन. लोग कहते हैं कि यहाँ आने का मजा तो विंटर्स में है, जब हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है. बट मैं कहूंगा कि कभी ऑफ सीजन में भी आके देखिए जनाब, शायद आपके लिए ऑफ सीजन ऑफ कोर्स सीजन बन जाए. गुलमर्ग में मैं रुका गुलमर्ग मेडोज में. In terms of location, this place is surrounded by meadows, mountains and forest with a small brook flowing right next to it. But ye sab hone ke baad bhi, the best part was meeting the owner of this campsite, Mustafa Bhai. Aur unke saath, I got a chance to visit the nearby shepherd villages. डाउन करके तो ये आप कह रहे हैं ये पत्ते को ऐसे डाउन कर. ओके. बनाने में बहुत से तरीके हैं. अच्छा. एक पूरा इसको किसी चीज में पीटना पड़ता है, पिटाई करके पूरा वो हो जाए, ताकि पेस्ट बना देते हैं. हाँ, पेस्ट. उसके बाद बनाओ, उसका अलग ही जायका हो. जो पानी है ना, ऐसे करके वो इसमें जाना नहीं चाहिए, पानी नहीं ज्यादा जाना चाहिए. तो थोड़ा सा दबा के. हाँ, थोड़ा दबा के.
आग के साथ कनेक्शन है, इट गोज बैक आई डोंट नो 30-32 years, क्योंकि माय मॉम इज फ्रॉम कश्मीर और उनको कभी भी फरीदाबाद में मिलता नहीं था आग साग. तो व्हाट शी डिड वाज शी रीइन्वेंटेड दिस डिश एंड शी स्टार्टेड यूजिंग पालक इंस्टेड ऑफ आग. और हम लोगों को वो डिश इतनी पसंद आने लगी कि हमारे घर अब वो रेगुलर हो गई है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस. कुछ भी हो जाए, कभी भी और कुछ बनाने का मूड नहीं है, पालक आई और ये सेम स्टाइल प्रिपरेशन. थोड़ा सा अलग रहता है लेकिन मोर ऑर लेस द सेम एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस. सो द रीजन व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज दिस इज मम्मी, ये आपके लिए. मास्टर शेफ जैसा फील हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डर लग रहा है क्योंकि अगर पीछे नज़र घुमाओ ना इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं बड़े जोश से बना रहा हूँ और अगर ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं बना तो मेरे को यहाँ से ना अगली बार मैं बैन हो जाऊँगा, मेरे को कोई गुलमर्ग नहीं बुलाए. जब स्टीप आती है इसको तो ये ऊपर इसके साथ चिपक जाता है पता इसका, तो फट सकता है प्रेशर. अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा खुला रखना है या ऐसे ढक के? वो ठीक है लेकिन बंद नहीं करना है, पूरा बंद. ओके. कड़छी की क्वालिटी देखो यार, कोई घर पे आ जाए उसको एक पड़ जाए नहीं ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी ऐसी क्वालिटी. हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, एकदम मरियल सी पतली सी, ये है असली कड़छी. कड़छी नहीं, कड़छा है शिव. अगर ये एपिसोड सही बना तो ये पड़ेगी तुम्हें. पानी थोड़ा डालना, नहीं हो गया, बन गया. थोड़ा सा चेक कर देखिए आप. देखिए मेरा तो सिंपल सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि आप प्यार से खिला दो तो कुछ भी चले. आप दाल चावल कुछ भी सिंपल खिला दो, प्यार से खिला दो ना, हो जाएगा उससे काम, चल जाएगा उससे. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्यार से खिलाने वाला हूँ. तो अगर अच्छा नहीं भी खिला आप भी मान लेना कि प्यार से खिला है, खुश हो जाना. बाकी सबने भी बोल दिया है और बच्चे ने भी बोल दिया है कि बहुत टेस्टी है. अगर ऐसा है तो फिर अब देख लो, मैंने किसी को कोई पे नहीं किया है, सब दिल से बोल रहे हैं. और अगर आपको नहीं विश्वास तो आ जाओ और चख लो, पता चल जाएगा. आप खुद टेस्ट करके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा. एक्चुअली नॉट बैड. समय देने के लिए और इतने प्यारे लोगों से मिलवाने के लिए. तो एक ही देश के रहने वाले ना, अगर हम में ये चीजें भी ना हो फिर क्या रखा है हम? क्या रखा? और खासकर आप तो आए और गए, आप एक बात ले आओ 10 आदमी को, ठीक है, और आके रहो हमारे यहाँ, तो हम खुशी खुश हुआ करेंगे. मेरे को पता नहीं अब आपको सही में अच्छा लगा नहीं लगा, बट ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि आपको याद जरूर रहेगा. अरे वो कोई आया था, उसने ऐसा बनाया था, पता नहीं हमने कैसे खाया और झूठ भी बोलना पड़ा, लेकिन ये इतना अच्छा हो या बुरा लेकिन याद जरूर रहेगा, ये मुझे जरूर पता. I'll try to come your place. Sure. मगर ये पता नहीं कब. कोई problem. Before I passed. Definitely you will come, I know. चलिए जी, बहुत 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 तो ये है वो कश्मीर जो ना ही न्यूज में दिखता है और ना ही टूरिस्ट पैकेजेस में. ये तो दिखता है व्हेन वी डिसाइड टू ट्रैवल अनलाइक द वे वी हैव बीन डूइंग सो फार. थोड़ा सा रुक के और थोड़ा सा दिल बड़ा करके देखें तो पता चलता है दैट द वर्ल्ड इज इन फैक्ट अ वेरी सिंपल, पीसफुल एंड हैप्पी प्लेस. और कभी मन हो तो साथ चलना एंड आई ट्राई टू शो यू दिस वर्ल्ड द अनट्रैवल वे.